हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे जोफ्रा आर्चर का बॉलिंग एक्शन। साथ साथ फ्रेंड मैं आपको जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग एक्शन कॉपी भी करके दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड बिना टाइम लेके बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जोफ्रा आर्चर की रनअप के बारे में, तो उसका जो रनअप है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ना ही वो अपने रनअप में ज्यादा तेज भागते हैं, ना ही ज्यादा वो अपने रनअप में एफर्ट लगाते हैं, और वो अपने रनअप में एक एथलीट की तरफ भागते हैं। और फिर उनके जो ये दोनों लेग है वो एक सर्कुलर मोशन में चलते हैं, और वो अपने अपर वाली बॉडी को थोड़ा सा बेंड करके दौड़ते हैं ताकि अपना मोमेंटम मेंटेन कर सके, और साथ ही अपने दोनों हैंड को बॉलिंग आर्म और नॉन बॉलिंग आर्म को दोनों को एक अच्छे मोशन में चलाते हैं। और अपने इस स्मूथ और एथलीट रनअप की वजह से वो अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। जोफ्रा आर्चर जब ग्रीस के पास पहुंच जाते हैं तो उसकी जो बॉलिंग स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इसी स्पीड को अपनी बॉलिंग में लाने के लिए जोफ्रा आर्चर ऊंचा जंप करने के बजाय आगे की तरफ जंप करते हैं। अब आगे की तरफ जंप करने से जोफ्रा आर्चर अपने रनअप का सारा मोमेंटम अपनी बॉलिंग में ला पाते हैं। फ्रेंड जोफ्रा आर्चर एक सेमी साइड ऑन बॉलर है, जिसकी वजह से उसके पास स्विंग भी है और पेस भी है। फ्रेंड अभी हम बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग एक्शन की। उसका जो बॉलिंग आर्म है फ्रेंड पहले वो यहाँ पे होता है, उसके बाद इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, और जो नॉन बॉलिंग आर्म है फ्रेंड वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम अपने बॉलिंग आर्म को इस तरह नीचे की ओर लाएंगे। जब हम नीचे की ओर लाएंगे तो हमारे जब ये बॉलिंग आर्म पीछे की ओर जाएगा तो हमारे जो फ्रंट फुट है फ्रेंड ये जब नीचे जमीन के ऊपर लगेगा तो ये लॉक हो जाएगा, और हमारे जो ये बैक फुट है फ्रेंड ये थोड़ा सा नीचे की ओर बेंड रहेगा, और फ्रंट फुट जो है ये बिल्कुल इस तरह लॉक रहेगा। और लॉक रहने के बाद फ्रेंड फिर आपने अपने दाएं वाले हाथ से गेंद को रिलीज करना है। तो फ्रेंड यही कुछ है जो मैंने आपको जोफ्रा आर्चर की पूरी बॉलिंग एक्शन को एनालाइज करके बताया। आई होप फ्रेंड आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।